साफ से अच्छी तरह ऐसे धो के दो तीन पानी से और उसे निकाल दिए इस तरह साफ से बिल्कुल साफ से धो दिए। बस अभी सही हो गया। अब इसे हम फ्राई करके फिर इसे हम उबालेंगे। चलो इसे उबालने के लिए इसमें तड़का लगाने के लिए जीरा साबुत और धनिया और काली मिर्च और हरी मिर्ची बस रखेंगे। अब कुकर गर्म हो गया, थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें, बस दो चम्मच के हिसाब से डाल देंगे। अब उसमें जीरा डालेंगे, जीरा धनिया हरी मिर्ची को डाल लेंगे। उसके बाद इसे भूनेंगे, बिल्कुल डाल बिल्कुल लाल होने वाला। अब हम इसमें हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल दिया। अब इसमें वो दाल डालेंगे जो धो के रखा भी है। गैस को तेज कर देंगे, इसे थोड़ी देर भून के और थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि दाल पक जाए अच्छी तरह। थोड़ा सा पानी डालेंगे बस अंदाज से। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। बोलो पूरनपुरी बनाने के लिए आटे के लिए करने के लिए उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे हल्का, जिससे कि ज़्यादा बढ़िया और चटपटा हो। हल्का नमक डालेंगे हल्का, क्योंकि दाल में भी नमक डाल रखा हमारे बस। क्या करेंगे इसका इसका आटा थोड़ा टाइट किया जाता है रोटी से, हल्का रोटी के जैसा होता है लेकिन थोड़ा बहुत टाइट रहता है। इस तरह पानी बराबर मात्रा में डाल के इस तरह आटा गूंद लें। अजवाइन इसलिए डालते हैं आटे में कि ताकि पूरन पूरी थोड़ा जल्दी पच जाए, खाने में थोड़ा वैसा होता है, आटे में अजवाइन डालना ज़रूरी है। आटा तैयार हो गया। अब हम इसे बिल्कुल मुलायम हमने कर दिया, इसे गूंद गूंद के ये बिल्कुल तैयार है। इस तरह तैयार हो गया पक के आपका। अब इसे ना हम इसे वो बारीक बना लेंगे थोड़ा बहुत, तब भरने के लिए इस ताकि वो फटे ना, पीस लेंगे, पीस के बारीक बना लेंगे। इस तरह हम इसे पीस लेंगे बारीक इस तरह।
पीसने की भी वीडियो बनानी है। इस तरह देखो बारीक हो रहा है, ऐसे ही सारे दाल को पीस के बारीक कर लेंगे, बना लेंगे। और ये जो बारीक पिसा हुआ दाल है, बारीक पिसा हुआ दाल है, हम इसमें भर लेंगे इस तरह ऐसे। भर लिया, अब हम इसे इस तरह बेल लेंगे पूरी की तरह। फटना नहीं चाहिए नहीं तो खराब हो जाता है। इस तरह इसी तरह हम बहुत सारे लोइया बना लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे बेल के और इकट्ठा करके रख लेंगे। हो गया, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालें या रिफाइंड डालें, कुछ भी डालें तलने के लिए काफ़ी है। डाल दिए, गर्म हो गया, थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम अब ये तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे तलने के लिए। थोड़ी देर पकने देंगे इस तरह। हम सारी पूड़ियों को इस तरह तल लेंगे एक एक करके, ताकि ये बढ़िया से तला है लाल करके बिल्कुल। इस तरह तलेंगे, इस तरह ये लाल हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, ग्रे हो गया। इस तरह ही बोल दी, इस तरह सारे पूड़ी तैयार हो गए बन के हमारे करारे करारे। क्या मस्त पूरन पूड़ी बनी है आपकी। देखिए ये रहा हमारी पूरन पूड़ी, ये दाल भरा हुआ। है साथ खाने के लिए चटनी बनाएंगे, आम तरह छीलेंगे हम उससे पहले छील। इस तरह हमने छील के बीज से काट के उसका बीज निकाल दिया है। थोड़ा सा साबुत धनिया और जीरा, यो इसे हम थोड़ी सी भूनेंगे इस तरह, ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए चटनी का। अब ये हो गया, जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब ये हो गया, इस तरह हम धनिया जीरा राम को कुछ कुछ इसको पीस के चटनी बना लेंगे। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। इस तरह हम सब को कूच के और चटनी बना लेंगे और इस तरह पीस। चटनी तैयार हो गई, इस तरह बना लिया हमने। और ये हो गया पूरन पूड़ी तैयार।